तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो आज मेरे बड़े भैया के साथ मैं जा रहा हूँ चमुंडा देवी कांगड़ा। तो अभी आपको थोड़ा बहुत रोड व्यू भी बताएंगे और आगे हम आज बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं। वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है। आप पूछ सकते हैं मेरे भैया को वहाँ पे, भैया वहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। बहुत अच्छा व्यू है और देखने के लिए बहुत बहुत अच्छे टेम्पल है। हाँ जी, तो बहुत ही एकदम सीनिक ब्यूटी है वहाँ पे। आपको पता ही है कांगड़ा और पालमपुर और ये बीच का रीजन बहुत ही सुंदर है। तो आज हम धौलाधार रेंजेस को कवर करेंगे थोड़ा सा। तो अभी 6:30 बज चुके हैं। अभी जसूर पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से लगभग 2 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। अभी हमने गाड़ी रोकी है त्रिलोकपुर में। यहाँ पे बहुत ही फेमस शिव जी का मंदिर है, आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। सुबह के बज रहे 7 और यहाँ से हम अभी यहाँ को जाएंगे। यहाँ पे खड्डा है नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे खड्डा है। ये देखिए गाइस, ये है वो खड्डा। HRTC की बसेस। एक बात यहाँ की बहुत खास है, जैसे कि अभी हम धीरे धीरे क्लाइम कर रहे हैं धौलाधार रेंज, तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज दिखेंगे आपको इस रूट में, आप देख सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो ये जो रास्ता आप मंदिर को जा रहा है, शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काफी पुराना है त्रिलोकपुर। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। और ये देखो गाइस ब्यूटी, आप कितना ही सीनिक व्यू है यहाँ पे, कितने बड़े बड़े पत्थर है आप देख सकते हैं। ओ वहाँ पे एक वाटरफॉल है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बहुत ही पुराना मंदिर है ये, प्राकृतिक ही प्रकट हुआ है। जो जितने भी शिवलिंग हैं यहाँ पे सब प्राकृतिक हैं, कोई मैन मेड नहीं है, ये सब अपने आप प्रकट हो रखे हैं धरती से। और इस जगह बैठ के ना एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रेडिएशन मिलती है। आप यहाँ पे थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये ऊपर आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर्स है, इसमें से अपने आप पानी टपक रहा है, मतलब पानी गिरता रहता है शिवलिंग पे। ये अपने आप में बहुत चमत्कारी है, आप देख सकते हैं इसके बीच से पानी टपकता है और सीधा शिवलिंग पे गिरता है। सारे जितने बहुत सारे शिवलिंग्स हैं यहाँ पे अपने आप प्रकट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और वैसे तो ये कांगड़ा से काफ़ी नज़दीक ही है, पठानकोट से भी 1 घंटे की ड्राइव पे है। तो ये मैंने पहली बार देखा, आज मेरे बड़े भैया लेके आए हैं यहाँ पे मुझे। सो वो थोड़ा भी मेडिटेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो बाकी आगे की जर्नी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। हम
चलो गाइज अब हम जा रहे हैं, अब आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो। मंदिर आया कि नहीं? मंदिर बढ़िया सी, बहुत बढ़िया सी। हर हर महादेव। जय माता दी। अब हम पहुंच चुके हैं चामुंडा माता, गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग वहां पे। ये गाइस सारा ये रही है प्लेन में, और उधर देखो आप कितना अमेजिंग व्यू है, क्या जबरदस्त व्यू है, देख सकते हैं आप। ये देखो एकदम धोलाधार रेंज हमारे एकदम सामने, और वो देखो कितना अमेजिंग नज़ारा है वहां पे। ऐसा नज़ारा कहीं और नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ हिमाचल में मिलेगा। और अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं माता का आशीर्वाद लेके, फिर हम थोड़ा घूमेंगे इस एरिया में। और देखो आप झूले वगैरह भी लगे हुए थे। अभी सुबह के 8:30 बज रहे, 2 घंटे हमें ट्रैवलिंग के हो गए हैं। पठानकोट से चले थे 6:30 चले थे, और 8:30 हम पहुंच गए यहाँ पे। रोड कंडीशन ओवरऑल काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अभी हम वाया धर्मशाला होके जाएंगे, तो आपको धर्मशाला का भी दिखाएंगे व्यू। देखो गाइस, तो गाइस अब हम मंदिर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, आपको पता ही है, ये देख सकते हैं, ये है माता का मंदिर, ये है माता का मंदिर यहाँ पे, ये देख सकते हैं। जय माता चामुंडा, जय माता, दर्शन कर ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, माता के दर्शन करवाए वैसे। और ये देख सकते हैं आप, ये वो कुंड है, शिवजी जी का कुंड है ये यहाँ पे। और गाइस मौसम तो बहुत ही अच्छा हो चुका है, और साथ में नदी बह रही है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है इसको देख के, बहुत ही अच्छा नज़ारा है चामुंडा माता का। प्राचीन मंदिर ये भी है, और एक प्राचीन मंदिर है हिमानी चामुंडा माता, वो यहाँ से ऊपर ट्रैकिंग करके आपको मैं बताऊँगा कहाँ को है। और ये देखो कल बहती हुई नदी, कौन सी नदी है? तो अभी हम थोड़ा आपको आगे का व्यू दिखाएंगे चामुंडा माता का। अब हम इस व्यू पॉइंट में आए हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा है यहाँ का, पानी एकदम फुल पावर में इस वक्त, एकदम साफ पानी है, डायरेक्ट पहाड़ों से उन चोटियों से आ रहा है। और ये देखिएगा इस व्यू का जबरदस्त व्यू, उस साइड गाइस पालमपुर है, मेरी एक फ्रेंड रहती है वहां पे, प्रियंका नाम है उसका, उसका वहीं पे घर है पालमपुर उस साइड। सो वो देख रही होगी तो उसको ये पता लग जाएगा कि उसने एरिया देखा ही होगा ये लगभग। तो ये देखो गाइस,
क्या मस्त पानी बह रहा है।